इतने करके खाते हैं। ये बुआ आधे मुंह में रुक गया, दिखा रही है। देख रहे हम इसके वाइट में, इसका पैटर्न ना लगा, इसमें गोल्डन वर्क है। तो शेड लोग देख करके ले जाते हैं ना, दोनों चुबल्लू खा रहे हैं। ये देखिए जे लल्ले लल्ले चाउमीन देख लें। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू फिजा क्लास। तो फ्रेंड्स, अभी है सहरी का टाइम और बज रहे हैं अभी 4, तो अभी सहरी कर लेते, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आ रहे हैं सहरी करने के लिए और आज बनाए थे पराठे, और इधर है गोभी आलू की सब्जी और ये सेवइयां, और इधर अभी दही निकाल रहे हैं। सहरी करके मिल, हमारी सहरी हो चुकी है और अब पढ़ लेते हैं हम नमाज। फ्रेंड्स, अभी हमने नमाज पढ़ ली है, मिलते हैं फिर आपसे सुबह। लोग सोच रहे हो फिर से कहाँ जा रही है, नकाब पहन रखा है। इस टाइम पे फ्रेंड बहुत भाग दौड़ हो रही है, कभी कुछ काम जाता है कभी कुछ, तो आज मुझे फिर मार्केट जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे फुप्पी सास के लिए एक सूट लेकर आना है और दादी सास के लिए सूट लेकर आना है। मैं मार्केट जा रही हूँ उनके लिए कपड़े लेने के लिए। डिनर सेट भी लेना है क्योंकि मैं उस दिन लेने के लिए गई थी डिनर सेट, पर जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा डिनर सेट ही नहीं वहाँ मिल रहा। रामगंज में लिया था उस दिन, देख रही थी सब मार्केटों में देख लिया पर कहीं नहीं मुझे दिखा। फिर आज हम दड़े पे जा रहे हैं, तो मैं सोचू देख एक बार दड़े पे भी जो है ट्राई कर लेंगे, अगर मिल जाए वैसा डिनर सेट तो वहाँ से ले लेंगे। तो चलिए हमारे साथ। अभी हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग सूट देख रहे थे जो कि हमें लेने थे यहाँ से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाजी सूट देख रही थी, तो ये वाले तो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, फिर ये कैटलॉग वाले सही लग रहे थे। हम ये वाला पसंद कर रहे हैं। तो ये बाजी को सूट पसंद आ गया था, फिर हमने जल्दी से ले लिया, ऐसे 2 सूट लिए हैं। तो हमें फ्रेंड डिनर सेट तो मिल नहीं रहा था, पर यहाँ पे हॉटस्पॉट बहुत अच्छी अच्छी थी, तो हमने सोचा कि 3 हॉटस्पॉट ले लेते हैं अलग अलग पैटर्न के। ये देख रहे हैं हम इसके वाइट में, इसका पैटर्न अलग है, इसमें गोल्डन वर्क है, ये वाइट समझ में नहीं आ रही थी फ्रेंड। फिर उन्होंने एक और दिखाया पैटर्न जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, फिर अभी हमने वही वाला बाया, हमने ले लिया और एक ले लिया, घर जाकर दिखाएंगे सबसे। ईद के लिए दस्तरखान लिया था, ईद पे बहुत ज़्यादा दस्तरखान की और डिशे वगैरह इन सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोगों ने एक घर की शॉपिंग करी थी। सारी चीज़ें मिली पूरी माल के लिए, काली है एकदम, दिखाई भी नहीं दे रही होगी आपको, देखो दिख रही है कितनी काली है। असल का टाइम और मैं मार्केट से आ गई थी, मार्केट से आके इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं, तो फिर मैं मार्केट से जैसे आई मैं नमाज़ पढ़ी और मैं नमाज़ पढ़ते ही बिल्कुल सो गई। तो अभी असल का टाइम हो रहा है और अभी जो मैंने सामान वामान लेकर आई थी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेकर आए थे। फिलहाल तो अभी मैंने असर की नमाज होने वाली है, असर की नमाज़ पढ़ के फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगे। चलिए इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं ना सूट डालने के लिए आई थी खाला के घर पे, ये वाले सूट जो खाला की देवरानी है ना वो सिलती हैं, ये देखो ये वाले सूट, क्योंकि मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं खाला घर ही आई ले दोनों। और इधर देखो बच्चे हैं, हाय करो, बोल क्यों करो, बोल के हाय, तुम भी करो, बोल के करो हाय हाय, कैसे हो सब?
खाली हूँ। स्कूल जाती हो जैनब? स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में हो? भाई अप्पी थी मेरी। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं अप्पी की क्लास में बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा, अप्पी की क्लास में पढ़ती हो है? जाती है? हाँ, झूठ। और कहना कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अल्लाह के नाम पर दुआ मांगो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। माइंड में बताओ हम लोग कैसे लगे? देखो गाइस, हम आज बिरयानी खाने आए हैं। तुम्हारा गोलगप्पे खा लो। ये खाला ने बनाए हैं, ये देखो स्वादिष्ट है। घर पे बनाए, घर पे एकदम बॉल की तरह हो जाते हैं। ये बना के दिखाएंगे मेरे को, दिखाओ। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे करके डालते हैं। ये देखिए हो गया गोलगप्पे करके खाते हैं। ये मुंह आते मुंह में रुक गया। उसी के तो दिखा रही है। अब ये मेरे मुंह में जाने वाला है। बस ये तो चला गया तुम्हारे मुंह में, अब ये मेरे मुंह में जा रहा है। पानी खा रहे हैं। ये मसाले वाली इमली आती है, पैकेट आता है पूरा। बड़ा अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत खट्टी लग रही है, पर ये अच्छी लग रही है, टेस्ट अच्छा है इसका। मैं खाला घर से आ चुकी हूँ और फिर मैंने आते ही अपनी फेशक नमाज पढ़ के तराई पढ़ ली थी। मैम इनके पीछे ना लूट मार पड़ी हुई है। ये इधर दोनों चुबुल्लु खा रहे हैं। ये देखिए, ये है एक जय इधर है, इधर केक, दो जने इधर है। इतनी लूट मार पड़ी चाउमीन की। छोटी चम्मच है ये देखो, ये तो कितनी छोटी सी लग रही है ना। ये टिफिन में आई होगी, टिफिन में आई होगी ये। ये दिखाओ, ये तुम्हारा, ये बड़ा अच्छा लगता है। तुम मंगाती होगी है ना? अच्छा लगता है दोनों का। चाउमीन देख लें, देखा इतनी चाउमीन में भी ये दोनों ने फिर ले ली। सूखा पप्पू, जय सूखा, ये पप्पू। मुझे मुंह मुंह कट कर दे। इधर देखना, इधर जब मुंह तो दिखा दे, जे देखो कौन से वाले। बार डर लगता है से। ले ले ले। ये सही होगा ना? इधर सही होगा। ये पप्पू हंस रहा है, ये चूका है, वो पप्पू है, ये हंस रहा है। उल्टी पहन रखी थी इनने, एक और ले आओ। दोनों चलेगा सिखो। अद्दू आर्यन, मम्मी क्या करी? मम्मी क्या करी? बाय बाय कर दो, बाय कर दो मम्मी, बाय। आप एक्स्ट्रा चले गए, बाय जाए, बाय। बिछा गई और देखना अद्दू आर्यन है ना, अद्दू आर्यन। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना वो डॉगी पीछे। अभी डॉगी आ रहा अद्दू के, अद्दू डर के मारे, अद्दू डर के मारे गोद में जा रहा है। अद्दू का बेचारा बड़ा डर लगता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर कर दें। और मैं खाला घर पे किस लिए गई थी, आपको पता ही होगा कि वो सूट वगैरह डालने थे, इस चक्कर में गई थी। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आज से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपनी फिजा को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।